22 जनवरी को पूरा देश राम भक्ति में डूब जाएगा, बिकॉज इस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम होगा। इस लिस्ट में कई बड़े एक्टर शामिल हैं, यहाँ तक कि रामानंद सागर की रामायण में काम कर चुके एक्टर भगवान राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल, सीता का रोल करने वाली दीपिका चिखलिया और सुनील लाहिड़ी जो लक्ष्मण का रोल कर चुके हैं उनको बुलाया गया है। बहरहाल कई बड़े नामी लोग ऐसे हैं जिनको बहुत उम्मीद थी इस ऐतिहासिक मूवमेंट का हिस्सा बनने की, लेकिन मोदी सरकार ने उनको नहीं बुलाया, जिसमें सबसे पहले नाम आता है शाहरुख खान का, सलमान खान का और आमिर खान का। ये तीनों ही मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं। सलमान खान के पिता सलीम खान तो मोदी सरकार की उर्दू वेबसाइट को हैंडल करते हैं और जब सरकार के सामने की बात आती है तब तो मोदी के साथ सलमान खान भी पतंग उड़ाते हैं गुजरात में जाकर। इसके अलावा शाहरुख खान आमिर खान के तो कई पर्सनल वीडियो हैं जहां पर वो मोदी साहब से पर्सनली मुलाकात करने गए। इसके अलावा जब मोदी साहब पूरे बॉलीवुड की चुनिंदा फ्रेटर्निटी से मिल रहे थे मुंबई में, तब सबसे आगे की लिस्ट पे सबसे आगे की सीट पर जो बैठे थे वो थे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। इस सब के बावजूद जब रामलला का पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ तब बहुतों को उम्मीद थी कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को बुलाया जाएगा, बिकॉज ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करते हैं। इसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से जब इनवाइटेड लिस्ट लीक की गई वहां पर बड़े बड़े नाम शामिल नहीं थे। खास तौर से बॉलीवुड के इन तीन खानों का ना होना कई लोगों को अखरा। वैसे ये तीनों खान कभी खुलकर हिंदुत्व पर बात नहीं करते हैं और यही बात शायद मोदी सरकार को नहीं रास आई होगी, बिकॉज जो बाकी एक्टर बुलाए गए हैं, फिर चाहे वो सनी देओल हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, बिग बी हो, ये खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व को सपोर्ट में आगे भी आते हैं। इसके अलावा राम मंदिर में दान करने की परंपरा में इन्होंने खुलकर दान किया। जब भी देश में कोई आपदा आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, वहाँ ये खुलकर दान करते हैं। इवन हिंदुत्व का प्रोग्राम हुआ, भारतीय सेना का कोई इवेंट हुआ, वहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा देशभक्त की फिल्में भारत सरकार की स्कीमों को प्रचार करने वाली सिनेमा में काम भी करते हैं। हालांकि यही सारा काम कुछ कुछ सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान भी करते हैं, लेकिन शायद मोदी सरकार की लिस्ट में अभी वो पक्के तौर पर लॉयल साबित नहीं हुए हैं, इसलिए इनको दूर से रास्ता दिखाया गया। अब इनको आम आदमी की तरह टीवी पर ही पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।